गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर के 1 बज रहे हैं, उसमें मेरे मजे ले रही है वहां पे। देखो क्या हुआ, क्या बोल रहे, बोलो। वो टिश्यू दो पहले तुम मुझे, उसमें दो ना। छी, गंदी बातें से गंदे चैनल निकालना। छी, सब क्या बोलेंगे? और होएगी ना, और मेरे को चिल्लाना पड़ेगा। और मेरे गले में बहुत दुख रहा है। संडे का दिन है, 25 फरवरी है। तो देखा, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने बहुत काम किया। बहुत काम मतलब, काम तो हमारा डेली रहता है, लेकिन कल पानी में बहुत ज़्यादा काम कर लिया। और शाम के वक्त नहाने की वजह से मेरा पूरा गला जाम हो गया। सर्दी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये सारे जॉइंट्स फिर से पेन हो रहे हैं। दांत वालों का यही मसला है, ज़रा भी सर्दी हो जाए ना तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करने की कोई वो नहीं थी, लेकिन मैंने क्या सोचा यार, एक दिन भी पता है मैं अगर ब्लॉग भी बना दूँ तो दूसरे दिन ऐसा ना नहीं हो पाता है, मतलब कुछ अलग ही फील आता है। नहीं होता है फिर ब्लॉग बनाने नहीं जमता है। तो मैंने सोचा नहीं, पहले तबियत देखो। आप लोग ना बाहर भी काम करने जाते हैं ना, तो तबियत ठीक हो या ना हो कुछ जाना ही पड़ता है। तो बस ब्लॉग बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे खुशी मिलती है उसमें। अगर मैं ब्लॉग ना बनाऊँ ना तो मैं ऐसे ही सोचते बैठती हूँ, मेरी तबियत खराब है, मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो उसमें मुझे और पता चलता है मेरी तबियत खराब है। तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं भले मुझे बात करने नहीं हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा टॉलरेट करना। हाँ, थोड़ा हाँप रही हूँ मैं। तो क्या बताई ना मैंने, आज संडे का दिन है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 25 फरवरी है। किस मारे हाय बोलो सबको, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय सलाम। और अरे बाप रे, अभी उसमें मुझे ना लाड़ कर रही थी, बहुत लाड़ कर रही थी, मुझे पप्पी वगैरह ले रही थी। बस अभी मैं उसको ना सुलाऊंगी, और फिर 2 घंटे के बाद 3 बजे मैंने मेरी बहन को बुलाया है उसको लेके जाने के लिए, क्योंकि मुझसे आज ज्यादा चिल्ला चाली नहीं होगी कि उसमा ये कर ले, उसमा वो कर ले, उसमा। और उसमा बहुत चिल्लाने लगाती है। तो वो जाएगी ना, तो मैं कल के वीडियो की एडिटिंग करूंगी, और फिर एक ब्लॉग नहीं, वीडियो बनाने वाली थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज आप लोगों को एक नुस्खा बताऊंगी जो मेरी सारी समस्याओं का समाधान है। हो सकता है वो आप लोगों को भी फायदेमंद हो, तो वो देख लेना। लेकिन मैं पहले वो बनाऊँ तो सही, मेरी तबीयत नहीं खराब है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगी, मैं बनाऊंगी। मैं बोलती हूँ ना तो मेरे को अंदर से एक खलबली होती है कि मैंने बोल दिया है मुझे करना है, मैंने बोल दिया है मुझे करना है, ऐसा मेरे अंदर ही रहता है। तो जब तक मैं नहीं करूँगी ना, मुझे सब सुनना ही पड़ेगा। तो चलो मैं अभी उसमा को सुला लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से दोपहर में ही डायरेक्ट। ठीक है गाइस, मुझसे गलती हो गई है। आज 25 फरवरी नहीं, 24 फरवरी है। अरे डेट कहाँ याद रहती है, नहीं याद रहती है। हम लोगों को तो सिर्फ ये याद रहता है कि शक्कर है कि नहीं, चाय की पत्ती है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। वो जॉब पे जाने वालों को डेट अच्छे से याद रहती है, घर में रहने वालों को अक्सर डेट याद ही नहीं रहती, दिन भी याद नहीं रहता है। वो तो मैंने याद किया क्या संडे। चलो चलो, अभी दोपहर में मेरा राशन भी आएगा ग्रुप पर से, तो वो शेयर करूंगी आप लोगों से। 24 फरवरी है आज। दोपहर में राशन आएगा, वो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है। सो गाइज, आ गया मेरा राशन, शाम के बज रहे हैं 4, और मेरा राशन अभी आया है। उज़्मा भी अभी सो के उठी है, मेरे भाई भाई जान लोग आए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या क्या मंगाई हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं मंगाई हूँ। मैगी का पैकेट मंगाई हूँ, एक ये मंगाई हूँ, और एक दूसरा वाला भी मैगी का पैकेट मंगाई हूँ, एक माजा की बोतल मंगाई हूँ, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगाई हूँ जो 2-3 दिन से परेशान हूँ, ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 पैकेट एक साथ मंगा लिए, महीना भर चल जाएगा अभी, ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से मंगा लूँगी। मैंने कुछ ज़्यादा राशन तो मंगाया नहीं इस बार, बस जो ज़रूरत की चीज़ है, बस जो ख़त्म हुआ वो मंगाया है। सरफ का एक ही पैकेट मंगाया है इस बार मैंने, और उज़्मा के लिए डायपर मंगाया है, और एक पनीर का पैकेट मंगाया है, छोटा वाला जो हर महीने ही आता है मेरे घर में, महीने में 2-3 बार आ जाता है। और ये दूसरा मैगी का पैकेट है, आटा नूडल मैंने मंगाया है, देखते हैं अभी वो भी खाती है क्या उज़्मा। बीच बीच में उज़्मा घूम रही है माजा की बोतल लेके, देखो उसकी खाला बैठी है जीनत, उसको लेने के लिए आई है। जैसे कि मैंने बोला था 3 बजे वो आएगी लेने, तो उज़्मा सो रही थी इसलिए मैंने उसको बोला थोड़ा रुक के आना, तो वह अभी आई है। और यह मैंने पाउडर का डब्बा मंगाया है। मैं उज़्मा के लिए हमेशा जॉनसन्स बेबी मंगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने हिमालय मंगाया है। और यहाँ पर मैंने वेट वाइप मंगाया है 2 पैकेट उसके, जो हर महीने ही आते हैं।
और शक्कर मंगाया है, शक्कर 3 किलो मंगाई है, इस बार 5 किलो का पैकेट नहीं मंगाया है क्योंकि शक्कर है। और ये तो मैंने ऐसी, मतलब जो मुझे अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो मुझे मंगाना था ना, तो सिर्फ अदरक लहसुन के लिए मुझे इतना सारा सब कुछ शॉपिंग करना पड़ा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, पिछले महीने में मैंने जो कैशबैक मुझे मिला था 2700 समथिंग पिछले महीने के राशन में, तो वो कैशबैक में से मुझे 20% सस्ता मिल गया सामान। मतलब मैंने 1900 रुपये का सामान मंगाया तो 400 रुपये तो मेरे वो कैशबैक में से कट गया और मुझे सिर्फ अभी 1500 रुपये पेड करना पड़ा। और यहाँ पे उज़मा खेल रही है, वो उसको तो मज़ा ही आता है पसारे में। बिल्ली है वो, बिल्ली बिल्ली लोगों को वैसे पसारे में अच्छा लगता है उछल कूद करने, उसको भी वैसे ही है कुछ। यहाँ पे उज़मा खेल रही है सामान के साथ, सामान उठा के रखना है मुझे, तो अभी वो खेल रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, खेलने दो उसको। और यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं, ये तो जीना थे, इसको तो अच्छे से आप जान गए हो अभी। और ये मेरे मामू की बेटी है, बड़ी बेटी, मेरी कज़न सिस्टर और उनके हस्बैंड जो आए हैं मिलने के लिए, बहुत दिन के बाद आए हैं। तो बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, उज़मा खेल रही है बस। यहाँ पे मैं अपने भाई जान और बहन को बोल रही हूँ व्लॉग में आने, तो मेरी बहन शर्मा रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कैमरे में आने के लिए, मना कर रही है। तो मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ नखा बटाओ ना मैं वीडियो निकालूंगी, तो मना कर रही है वो। लेकिन फिर भी मैं देखो कैसे ना शिकायत कर रही है कि ये डाल देगी, ये पागल है, ये डाल देगी पागल। और सही में मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये चीज़। तो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ की कुछ मस्ती मजाक चल रही है, मुझे उसकी परमिशन इन लोगों ने दिए नहीं कि वो मैं आप लोगों को सुना सकूँ, और विदाउट परमिशन क्या करना यार, अच्छा नहीं लगता है। तो चलो अभी अम्मी के घर पे मिलते हैं हम लोग, इन लोग भी जा रहे हैं अपने घर और जीनत भी जा रही है उज़्मा को लेकर, बाद में मैं भी चले जाऊँगी। सो ये अम्मी का घर है, अभी मैं यहाँ नहीं पहुँची हूँ, उज़्मा पहुँच गई है। और यहाँ पे ये जीनत शूट शूट कर रही है अम्मी के घर में, जो अम्मी मच्छियों को खाना, बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं वगैरह वगैरह। वो उसने मुझे ये इसलिए भेजा क्योंकि उसने साथ ही साथ मुझे उज़्मा के भी कुछ वीडियो सेंड किए हैं, जो वहाँ पे जाके उज़्मा और उसकी खाला दोनों पागल चाले कर रहे हैं, टिकटॉक शूट कर रहे हैं टिकटॉक। और मेरी उज़्मा कितने अच्छा कर रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसने मुझे भेजा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये अम्मी का तो रोज़ का ही काम है, ये बिल्लियों को खाना खिलाना, पूरा घर को जंगल बना के रखे हैं। पता है कितनी सारी बिल्ली है अम्मी के पास, कम से कम 30 तो बिल्ली होगी, 30-30, आधी जाती है आधी आती है, आधी जाती है आधी आती है। चलो मैं उज़्मा की वो टिकटॉक वाली वीडियो आप लोग से शेयर करती हूँ। और अभी इस वक्त मैं अपने घर पे बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, पब्लिश कर रही थी। गाइज मैंने यहाँ से गाना हटा दिया है, मुझे कॉपीराइट आ गया था तो मुझे वापस से एडिटिंग करनी पड़ रही है। ये वो गाने पे कर रही है, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया तो वो गाना मैंने पहले रहने दिया था लेकिन फिर मुझे कॉपीराइट आ गया तो मुझे वापस एडिट करना पड़ रहा है। इधर जाके सो गाइस मैं आ गई हूँ अम्मी के इधर जाके। मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा लेट के बात करती हूँ आप लोगों से, सकत ताकत नहीं हो रही मेरी से। हाँ उज़्मा कहाँ है? तो मेरा आज दिन है ना बहुत खतरनाक गया। कब उज़्मा? हाय बाय। आज मेरा दिन बहुत खतरनाक गया, जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा ना आप लोगों ने, मैंने मॉर्निंग में क्या बोला था आप लोगों को कि मैं आज आराम करूंगी, वीडियो पब्लिश करूंगी, एक नया वीडियो बनाऊंगी, ये सब बोला था ना मैंने आप लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उज़्मा सोई, वो जब तक उठी भी नहीं थी, मेरे भाईजान और बहन आए थे, देखे ना आप लोग, मेरे लोग के साथ मैं बातचीत में लग गई, जरूरी था, बहुत दिन के बाद आए थे लोग। उज़्मा सीधे बैठो पापा, अरे मेरे बच्चा। और फिर उसके बाद मेरी बहन आई उसको लेने के लिए, उज़्मा को तो लेके चले गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वीडियो पब्लिश किया, मतलब पहले एडिटिंग किया फिर उसको पब्लिश किया, और उसके बाद बर्तन झाड़ू फिर से वही काम, मतलब मुझे 5 मिनट का आज भी आराम नहीं मिला। फिर मैं अम्मी के इधर गई थी सिर्फ उज़्मा को लेने के लिए, लेकिन जीनी भी आई, मतलब जीनत भी आई थी साथ में उज़्मा को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं वैसे ही हाँफ रही थी, मैं क्या करती। तो अभी वो छोड़ के गई है। का मामा का मामा? तो वो जो मेरे भाई भाई जन है ना,
बहुत दिन से कट्टी कट्टी थे। और उसमें बहुत दिन से कट्टी कट्टी थे, आज जाके अभी जाके उनकी बट्टी हुई है। उसमें ना मेरे को बैठना नहीं था, तेरी चैंस है तो उन लोग की बट्टी हुई है, तो लोग मेरे से मिलने आए थे। अच्छा लगता है ना एक जोड़ा जब खुशी खुशी भरोसे और प्यार की बुनियाद पे रिश्ता बना रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और रिश्ता ना सच में ना भरोसे और प्यार की बुनियाद पर टिका रहना चाहिए, गहने और जेवरात या पैसे की बिना पर नहीं टिकना चाहिए। गहने आज है कल नहीं, जेवरात आज है कल नहीं, हर रिश्ते में पैसे की जरूरत होती है, लेकिन वो पैसा भी कुछ काम का नहीं है जो रिश्ते में मोहब्बत ही नहीं है, और मोहब्बत खत्म हो जाती है भरोसे के साथ, है ना। ये तो कोई क्या कर रही है मेरे साथ, है पापा क्या कर रहा है तुम, मेरे को खींचती रहती है, मारती रहती है। सो गाइस मैं आज ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, देख लो आप लोग मेरी कंडीशन। बस आज का व्लॉग मैं जानती हूँ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं शायद आप लोगों को पसंद भी आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ी आज डल डल हूँ ना, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं लग रहा ना मेरे बातों में। चलो यार मेरी तबीयत खराब है, जरा इतना तो मैनेज कर लेना। देखो देखो कैसे भाई, उज्मा मत करो ऐसा, अम्मी को दुख रहा है। सो गाइस मिलती हूँ मैं, वो वीडियो बनाना है मुझे, मैंने आज नहीं बना पाई, कल मंडे है, मैं इंशाल्लाह कल बना लूंगी वो वीडियो, ठीक है। मुझे भी जरूरत है उस चीज़ की, खांसी हो रही, जुकाम हो गया, अब तो और ज्यादा जरूरत है उस चीज़ की। चलो उज्मा बाय बोलो, बाय, अल्लाह हाफिज़। अले बबले अले बबले अले बबले, चलो बोलना लाइक करो, बोलो लाइक करो, ऐसा करो लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरी अम्मी के चैनल को। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो, और लाइक करना, ये मेरी बेटी मेरा हाथ। अम्मा चलो मैं रखती हूँ, देखो आप लोग से बात करते करते मेरी आवाज़ कितनी खुल गई ना, अगर मैं लेके बैठती ना तो वो आवाज़ वैसी जाम रहती। चलो 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 चलो, चलो, चलो बाय।